माय चैनल स्पीकलेस बेकरी। आई एम सोमा हियर। आज हम बनाने वाले हैं होममेड बिरयानी मसाला। सो लेट्स स्टार्ट। होममेड बिरयानी मसाला के लिए हम लोगों ने क्या 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 लिए हैं वो हम पहले हम लोग देख लेंगे, फिर हम लोग ये सब सामान को ड्राई रोस्ट करेंगे। जो खुले वाली हम लोग कढ़ाई में पैन में सूखी सूखा हम लोग भून लेंगे। पहले मैंने लिया है यहाँ पे 1 टीस्पून जो सौंफ होती है वो हम लोग ले लिए हैं, ठीक है। 2 टेबलस्पून मतलब ऐसा 2 टेबलस्पून में मैंने धनिया सीड लिए हैं, जो धनिया के बीज होता है वो। 3 यहाँ पे तेजपत्ता, शाहजीरा नॉट जीरा हाँ शाहजीरा 1 टीस्पून है, वो स्ट्रांग होता है इसलिए मैंने कम लिए हैं। 1 टीस्पून मतलब छोटी वाली चम्मच। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ठीक है 1 टीस्पून। ये जो काली मिर्च होता है जो वो, एंड जीरा 1 टेबलस्पून ये बड़ी वाली चम्मच में 1 टेबलस्पून। ओके ये सब हम लोगों ने, इसके बाद तेज पत्ता हो गया। हम लोग 3 ऐसा सूखी वाली मिर्च, सूखी वाली लाल मिर्च, 4 कार्डमम जो बोलते हैं इलायची छोटी इलायची, चक्री फूल जो बोलते हैं स्टार एनिस 2, बड़ी वाली जो काली जो होता है जो हम लोग का इलायची वो, ठीक है 2 ऐसा स्टिक दालचीनी के, जावित्री ठीक है ऐसे में ले लिए हैं 2, और 6 मैंने यहाँ पे लवंग लिए हैं 6। ओके और यहाँ पे 1/2 टीस्पून जो जायफल होता है वो पाउडर, 1/2 टीस्पून जायफल के पाउडर वो हम लोग लास्ट में मिक्स करेंगे। ये सब हम लोग को सूखी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ओके पहले 2 टेबलस्पून धनिया सीड्स, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, शाहजीरा 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, तेजपत्ता के 3, छोटे इलायची 4, 2 स्टार एनिस। इसको थोड़ा हम लोग तोड़ के देंगे तो अच्छा से वो ड्राई रोस्ट हो जाएगा। 2 दालचीनी के टुकड़े तो तोड़ के देंगे। लवंग 2 ऐसी बड़ी इलायची और जावित्री, जो रेड मिर्च होता है लास्ट में देंगे नहीं तो बहुत उसका तीखापन आता है। इसको हम लोग पहले अभी भून लेंगे, इसको फ्लेवर आने तक भून लेंगे, ठीक है एकदम मीडियम फ्लेम में करिएगा। अभी देखिए इससे कलर भी चेंज हो गया है, थोड़ा धनिया का फ्लेवर भी आने लगा है। तो हम लोग यहाँ पे सूखी मिर्च जो है थोड़ा तोड़ के दे देंगे तो हीट में ना वो रोस्ट हो जाएगा। पहले देने से इसका तीखापन बहुत हम लोग को तकलीफ होता है उसमें, इसलिए भी हीट में जो थोड़ा थोड़ा ये जो गर्म हो रहा है ना उसमें वो रोस्ट हो जाएगा ड्राई मिर्च। इस स्टेज में हम लोग गैस को ऑफ कर लेंगे, ठीक है भुनना हो गया है, ज़्यादा भुनने से कड़वा हो जाता है। अभी ये हम ठंडा होने के लिए हम लोग इसको वेट करेंगे, फिर हम लोग ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है इसको हम लोग एक डिश में निकाल लेंगे नहीं तो हीट में और गो भूनते जाएगा जल जा सकता है। हम लोग इसको अभी ठंडा होने के लिए वेट करेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। ओके ठंडा हो गया है, कूल हो गया है, अभी हम लोग इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। एक बात याद रखना, इसमें पानी नहीं गिरनी चाहिए, ठीक है तो कोई एकदम ख़राब नहीं होता है। फिर हम लोग इसको ग्राइंड कर लेंगे। हम लोग का ग्राइंड हो गया है, इसमें हम लोग अपने जो 1/2 टीस्पून जायफल रखे थे वो दे देंगे इसमें, ठीक है यहाँ पे सॉल्ट देंगे, ठीक है स्वाद अनुसार मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून ही दे रही हूँ। थोड़ा सा हल्दी देंगे और यहाँ पे 1/2 टीस्पून हम लोग शुगर पाउडर देंगे, ये हम लोग का प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, ठीक है
अभी फिर से थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए ग्राइंड हो गया है, अभी हम लोग मिक्सचर हम लोग तो ठंडा होने के बाद हम लोग ऐसा कंटेनर में जो आपके पास होगा भर के रख दीजिएगा, ठीक है, आपका बिरयानी में यूज़ करिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स कैसा लगा आपको, ठीक है। सो आई होप यू लाइक इट, सी इन द नेक्स्ट रेसिपी, बाय बाय।